Shown below is a solid made by joining the right circular cylinder and a hemisphere of equal radius. वैसे अगर हेमिस्फीयर और सिलेंडर को ज्वाइन करके दिखाई रखा है इन्होंने तो रेडियस इक्वल ही होने वाला है. तो ये आर दिख गया हमें. तो हेमिस्फीयर की हाइट उसका रेडियस ही होती है, हमें पता है ये बात. कितना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद ट्वाइस द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड. तो ये बताओ, सपोज इसकी हाइट एच ले लेता हूं, ठीक है. इसने विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो सिलेंडर की हाइट मैंने क्या मान ली बेटा, एच. इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या है जल्दी बताओ. एक तो हेमिस्फीयर का एरिया है ना, हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है सभी बच्चे बताएंगे. 2πr² वो बच्चे बोल जाते हैं अच्छे बोल जाते हैं. क्यों रोशन सर, मैंने ऐड किया था. मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ अच्छे बच्चे भूल जाते हैं. उसमें मैं भी हो सकता हूँ यार, मेरे से भी गलती हो सकती है. क्यों, फिर से भी हो सकते हैं, इंसान से हो जाती है गलती. टू एर इज ह्यूमन ना, हमने प्रोवर्ब सुनी हुई है, टू एर इज ह्यूमन, फिर से भी हो सकती है. तो बेटा ये जो सरफेस एरिया है ना सॉलिड का, वो किसके इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर विद ट्वाइस द रेडियस ऑफ सॉलिड. इस सॉलिड का रेडियस कितना है, r. क्या रहा, ये जो सरफेस एरिया आया ना, ये सारा ये जो मैंने लिखा है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है 2r. एक क्या है बेटा, स्फीयर जिसका रेडियस क्या है 2r, उसके सरफेस एरिया के इक्वल है. तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बताओ सब बच्चे, 4πr² रेडियस स्क्वायर. अब रेडियस क्या लूं, 2r, 2r² उधर जाके माइनस हो जाएगा 13πr² 16 pi r square minus 3 pi r square क्या हुआ, 13 pi r square. अब क्या कट हो गया, pi से pi कट, तो pi से pi कट हो जाएगा, 1 r से r square, 1 r square है ना, ठीक है. तो h आ गया, 2 नीचे ले जाओगे 13 के, yes sir, h आ गया 13 by 2 r, h आ गया 6.5 r. जो इस सिलेंडर की हाइट होगी ना, इस रेडियस का 6.5 टाइम्स होगी, है ना. यही मतलब हुआ ना 13/2 r का मतलब. तो क्या मार्क करके आएंगे, बी ऑप्शन 6.5 r. समझ आ गया सबको अच्छे से, बोलो